तो भाई हमारे साथ पी के भाई है ने लेके हमें यहाँ पे जो फटे टोक थे कैसे कैसे है। क्या नाम है? आची आची आची। इसका नाम आची। इतिहास में भाई है फर्स्ट टाइम इस साइड आई मेरे गांव में, ठीक है। तो भाई देख लो रोक्सी को लेकर चल रहा था और भाई पीछे पीछे देख लो बिल्कुल। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है चिराग एंडू, वाचिंग कैंडी मैच कर रहे हैं। तो भाई आज इसका एक बार ग्यारह का मोकर दिखा दूँ कि 345 दिन हो गए भाई, मुझे लग नहीं रही है। अभी भी कोई ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं आ रहा भाई इसका। और रोक्सी की आज बाइक आएंगे ट्रेलर के साथ, इसका मैंने आपको बता ही दिया था। और भाई नूरी को मैं कल करा के ले आया था, आपने देखा भी होगा वीडियो में कि नूरी की मैंने कहाँ पर मुजफ्फरनगर में मीटिंग करा दी। और सिम्बा का भाई वो हो गया था जिसे कहते हैं ना, इसके जख्म हो गया था तो भरने लग रहा है, धीरे धीरे थोड़ा टाइम तो लगेगा। और दोस्तों अभी हटी नहीं, तो भाई ने ऐसा पैर में बुड़का रख। तो भाई अभी हम एक फाइटर डॉग के पास लेके जाएंगे आपको, वहाँ पर एक इंसान और मिलेगा, वो आपको मैं दिखाऊंगा उसी में, वैसे बता ही दूँ। तो भाई पी के भाई वहीं पर आएंगे, तो फाइटर डॉग है जो कि इम्पोर्ट है और उनके पास 3-4 डॉग है, सारे के सारे फाइटर ही है। तो उनके दिखाएंगे उनके अंदर गुस्सा कितना है, पावर टेस्ट कराएंगे और गुस्सा दिखाएंगे कि मैंने सुना है उनके अंदर में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। एक डॉग उनके पास जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और किसी भी उसके सामने फीमेल आ जाए या मेल आ जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता इस बात पर कि फीमेल है या मेल है, उसे बस एग्रेसिव दिखाना। और भाई एक सबसे बड़ा एग्रेसिव देखो कौन है, एक सबसे बड़ा एग्रेसिव ये है, ये देखो, ये अभी थोड़ी देर में पैर पकड़ी मेरा, ये देखो हट जा भाई, अभी जस्ट अभी ना ये पैर पकड़ी थी, ये देखो अभी मैं चल नहीं रहा तो भाई पैर पकड़ी थी। तो दोस्तों अभी नहा धोकर फ्रेश होके सीधा मैं वहीं मिलता हूँ आपको और वहीं पर दिखाता हूँ कि वे कौन कौन से डॉग है। तो ठीक होने इनका तो हो जाएगी, ठीक है तो भाई इधर हो जाएगी। तो भाई इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी बट अब तो इसकी हालत ठीक ही है। बच्चे अरे सिर के भी कटवा देता बाल। तो भाई आपको पता नहीं होगा ना कौन सी ब्रीड थी, तो भाई सैंड बर्नार्ड भी रहती इसके वो कर रखे, बाल बाल काट रखे, ग्रूमिंग कर रखी। तो भाई इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इसको बहुत ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन हुआ पड़ा था। अभी तो हालत इसकी ठीक है, पहले तो एक कह ना पीप सा निकल रहा था इसके बॉडी से, तो इसको बाल बाल काटने पड़े तब जाके इसकी हालत ठीक है। अब तो अब कुछ दवाइयाँ दी ने तो दवाई देकर भाई ठीक ही हो जाएगी। तो भाई यहाँ आपको मैं दिखाऊँगा दोबारा आया मैं आपके, जो कि इन्होंने फाइटर डॉग लाए एक, तो फाइटर डॉग कैसा है भाई वो पहले भी मैंने आपको दिखाया था लेकिन शायद वो आपने शायद देखा ना होगा, तो दोबारा दिखाऊंगा। तो नहीं मैंने दिखाया नहीं भाई, मेरे याद आ गया वो वाला डॉग मैंने अभी तक दिखाया नहीं आपको, वो डॉग मुझे लगा शायद इम्पोर्ट है तो आपको दिखा दो वो कैसा है। तो भाई हमारे साथ पी के भाई है ने लेके हमें यहाँ पे जो फाइटर डॉग थे कैसे कैसे है, कौन कौन से इम्पोर्ट करवाए। तो भाई ये देख लो एंट्री करी, तो एंट्री करते सर भाई जो आपको दिख रहा होगा ना ये वाला, वो जो डॉग इसे जो ये एलिफेंट कलर से उधर है ना भाई, वो है इम्पोर्ट डॉग, पिटबुल का बहुत तगड़ा फाइटर डॉग है भाई और सारे सारे एक से एक डेंजरस है। तो यहाँ आया था अब तो यहाँ दिखा दो भाई। और भाई पीके भाई को मैं लेके आया था जानबूझ के ताकि भाई ये भी हमारे इधर के जो कैनल है कुछ उन कैनलों पे विजिट करवा दूँ। तो यहाँ पे भाई सिलेक्टेड डॉग्स हो रहे हैं अब तो, 1 2 3 4 4 है अच्छा। तो भाई ये है फाइटर डॉग, इसकी जो वैसे बहुत सीधा है मतलब कि फ्रेंडली है वैसे, लेकिन भाई फाइटर डॉग के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डॉग है भाई ये और डायरेक्ट इम्पोर्ट है ये बस। और भाई एक ही है रेड क्वीन डायरेक्ट इम्पोर्ट, पकंदर पकंदर नाम है इसका, पकंदर आची। क्या नाम है? आची आची आची। इसका नाम क्या बोला तूने? आची है भाई इस वाली का, इसका है पकंदर। लाइट जला तो भाई साहब जंप लगाने सिखा रहे और जंप मारा बहुत तगड़े वाली। भाई देख लो एग्रेशन हो रहा दोनों के बीच में, दोनों पिटबुल है और अभी तो अभी जस्ट अभी एग्रेशन होता बहुत तगड़े वाला। ये देख लो भाई कितना भयंकर एग्रेशन दिखा रहे दोनों आपस में, इसका तो फकंदर का तो मुंह से जाग भी आ गए। देखो ये देखो भाई जाग फेंक रहा बिल्कुल, आसी के भी जाग आ रहे भाई। अरे हटा लो ना भाई, ये तो ज्यादा एग्रेशन दिखा रहे फकंदर। ले गया था ना तो आज ये सामान लेने आया था, तो इनको ये सामान दिया, एक तो पट्टा है
और भाई एक ये दवाई है प्रोमिन बूस्ट की और ये कैल्शियम और रॉयल कैनिन का फीड है। तो अभी के लिए भाई यही है, काफ़ी अच्छा फीड है ये। भाई बारिश आ गई थी, यहाँ फंस गए, मेरी सिचुएशन देखो, इस पर खड़ा, यहाँ जल जल भर रहा सब जगह, दोहरा देखो भाई हाथ से ज़्यादा डूब रहा ये देखो सिचुएशन देख लो भाई कहाँ फंसे पड़े यहाँ, अंदर जा रहे थे, बारिश बहुत तेज आ गई, बारिश बहुत तेज चल रही है अपनी, क्या सिचुएशन आ गई यार। तो भाई यार मेरी देख रहे क्या भाई, कितनी भयंकर ग्रिप लगा रखी इसने, तो भाई इतना भयंकर काम कर रखा है यार गुस्से में आ रही भाई गुस्से में आ रही है। अब इसका मैं फोड़ दूंगा भाई, अभी घर आया था ना मैं, तो भाई सारे सारे परेशान करके रख रखा, छोड़ा नीचे मेरे पैर, भाई मुझे लगा ना प्यास लग गई, आज सुबह ने पानी नहीं रखता मैं, हट जा मेरा पैर छोड़ दे बिल्कुल यार, तू हट जा बेटा, भाई सिम्बा भी प्यासा हो रहा, तो पानी रख दो भाई इसके बाद मिलता हूँ। तो भाई पानी रख दो, देखो कितने मन लगे पानी पीने के लिए, आराम से नंबर आओगा, रुको रुको आराम से नंबर आओगा। तो भाई आज पानी पता नहीं क्या हुआ, पानी खिला दिया था उन्होंने, तो भाई अभी नौ एक खा एक पियो भाई, आज ना ये टोके घूर देंगे डब्बू, इन्हें पानी भी नहीं पीने देती, अरे मैं यहाँ से हट जाऊँ इनकी लड़ाई बना बच जा। तो फिलहाल तो पियो जाओ भाई पियो जाओ, दोस्तों एक घंटे से पानी पीने लग रहे, पहले इसमें घाल दिया उसमें घाल दिया, तो आज आज भाई पानी रखा था पर इन्होंने पानी ना वहीं खिला दिया था, जिस वजह से पानी ने किसी ने रखा नहीं, तो किसी ने रखा नहीं तो पानी मिला नहीं, तो अब कितने प्यासे हो रहे हैं, और वो तो आज मौसम ठंडा है, मतलब आजकल बारिश चल रही तो ठीक है, और इन्होंने कैसी तैसी हो जाती, एक एक पी लो। तो भाई स्टेल और ये देखो मेरे डॉग्स एक जगह पानी पीते रहते हैं भाई सारे के सारे, जबकि मैंने कुछ डॉग्स बड़े बड़े परचेज़ कर रखे, स्टेला बड़ी आ रही तो मैं यही खड़ा। तो भाई ऐसा होता है जब आप मैनेजमेंट डॉग्स के अंदर सही रखते हो, अगर डॉग को सही रख रखाव रखो ना भाई, उनको एक जगह मिला के रखो पारिवारिक तरीके पे, तो फिर ऐसे डॉग्स होता है, अगर अलग रखोगे बांध के रखोगे तो भाई एग्रेसिव हो जाओ, उनके खाने के पास भी कोई जा नहीं पाता। तो भाई रॉक्सी को लेके जाऊँगा डॉलर के पास, अरे इन्हें भाई अंदर कर दूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शैतान निकल रहा है भाई, सारे को अंदर कर दिया कि सांस नहीं देते, चल बेटा भाई रॉक्सी को, चल बच्चे बाबू चल चल गोडू चलो चलो अंदर चलो बहन चलो अंदर चलो। तो भाई थका दिया इसने, तो घर से निकल के भागना शुरू कर दिया था और रुक के दे रिया, और भाई यहाँ इतिहास में भाई है फर्स्ट टाइम इस साइड आई मेरे गांव में। अच्छा हमको सिखा रिया ठीक है पैदल, ये मान लो फर्स्ट टाइम आई भाई, मुझे सांस चढ़ा दिया, ये रहा इसका रास्ता, डॉलर थोड़ी दूर है, भाग गया जी। तो भाई देख लो डॉग्स रॉक्सी को लेकर चल रहा था, और भाई पीछे पीछे देख लो बिल्कुल काटने के तैयार हो रहे, रात का वैसे हो रहा, चल बेटे इसे रात के टाइम पे भाई घुमा रहा था, लेके आया था ना डॉलर के पास वेट कराने के लिए, चल बच्चा। तो अभी यार थोड़े से इन्हें देख के एग्रेसिव मूड मारी, बट इसे आराम से ले रहा, जनता जनार्दन हैं, अरे बस क्यों जी कटवाओ उनका, आराम से बेटा आज। तो गाइस बस ऐसा अभी घर ले जा रहा, और आई होप आपको हमारी वीडियो भाई अच्छी लगी होगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, अगर अंधेरा कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा हो रहा ना, तो भाई प्लीज शेयर कर दो वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ठोक दीजिए महाकाल का सर, दबा के लाइक से ठोक दीजिए, आपके भाई का भाई छोटा चैनल है तो आपके लिए भाई वीडियोज आती है, और जब थोड़ा सा वो मिलेगा तो भाई थोड़ी सी और मतलब जितनी मेहनत होगी उनसे भाई उतनी मेहनत करेंगे। तो चलिए भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई टेक केयर।